हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम फूड न्यूट्रिशन में एमसीक्यूज कर रहे थे क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि हमारे एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होने वाले हैं। फूड न्यूट्रिशन का मतलब पेपर होने वाला है, जो भी होगा। तो अभी तक काफ़ी सारे एमसीक्यूज इससे पहली वाली वीडियो में हमने कवर कर लिए थे, वही एमसीक्यूज हम करने वाले हैं आगे, मतलब उससे अलग। पर फूड न्यूट्रिशन के एमसीक्यूज हम आगे भी करने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे एमसीक्यूज हम करेंगे, तो अगली वीडियो आ गई है, यही है वो। ठीक है, तो आगे और भी सारे एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। और मैंने परसों एक पोल डाला था, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में। उसमें आपने बताया था कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 3 चाहिए, चैप्टर 15 का पार्ट 3 चाहिए, और फूड न्यूट्रिशन के लिए भी काफ़ी सारे वोट्स आए थे। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 15 का पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोड हो गया है, अगर नहीं देखा है तो जाके देखो। और फूड न्यूट्रिशन की वीडियो ये रही, तो जल्दी से शुरू करते हैं आगे के एमसीक्यूज को समझना और पढ़ना। तो इस वीडियो में हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है, इन्फेक्शियस डिसीजेज कैन स्प्रेड थ्रू। जो इन्फेक्शियस डिसीज होती है, जो इन्फेक्शन वाली डिसीज होती है, वो स्प्रेड यानी फैलती है किसके थ्रू? एयर, वाटर, फूड या ऑल ऑफ दीज? तो जो हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेज होती हैं, वो हमारी एयर, वाटर, फूड तीनों की वजह से ही स्प्रेड होती हैं, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स आर, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं उनकी फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, वो किस किस तरह के होते हैं? बिग एंड स्मॉल पॉक्स, मायो पॉक्स, कॉलेरा या फिर मीजल्स स्मॉल पॉक्स। तो जो बेसिकली स्मॉल पॉक्स होते हैं, वो हमारे बिग या फिर स्मॉल पॉक्स होते हैं, इसका आंसर है ए। स्वेट कम्स आउट ऑफ अवर स्किन थ्रू, जो पसीना हमारी बॉडी से बाहर आता है, वो किसके थ्रू आता है? हेयर के थ्रू, टिश्यू के थ्रू, अगेन हेयर के थ्रू या फिर बॉडी पोर्स। तो जो स्वेट हमारी स्किन के थ्रू बाहर आता है, वो हमारा आता है किसमें? बॉडी पोर्स के थ्रू वो बाहर आता है हमारी स्किन से। बॉडी पोर्स पूरी बॉडी पर छोटे छोटे होल्स होते हैं जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, तो वो बॉडी पोर्स होते हैं और वहां से जो सारा स्वेट होता है वो हमारी स्किन से बाहर आ जाता है। ठीक, द कॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ कॉलरा डिसीज इज, जो कॉलरा डिसीज होती है जिसमें हमारे डिहाइड्रेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो जो डिसीज है वो किसके थ्रू फैलती है? ठीक है, बेड बग्स, फ्लाई, फ्ली या फिर मॉस्किटोज। इसका आंसर है बी, फ्लाई। ठीक है, आप थोड़ा याद करते चलो और उसको समझते चलो, अच्छे से सुनते चलो, आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरक्लियोसिस इज, मीडियम क्या है ट्रांसमिशन का? ट्यूबरक्लियोसिस अगर ट्रांसमिट करना है तो वो उसका मीडियम क्या है, किसके थ्रू ट्यूबरक्लियोसिस ट्रांसमिशन उसका हो सकता है, एक दूसरे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में? ठीक है, बाय वाटर, टचिंग, बाय एयर या फिर क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स की वजह से। तो ये बाय एयर ट्रांसमिट हो जाता है ट्यूबरक्लियोसिस, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है, बाय एयर। ठीक, टाइफाइड डिसीज इज ऑल्सो नोन बाय वॉट अदर नेम, जो टाइफाइड एक डिसीज है, ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरे नाम किस नाम से वो जानी जाती है, और वो डिसीज बताओ यार, बीमारियों के भी अलग अलग नाम है। ठीक, तो इंटरमिटेंट फीवर, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स या फिर डायरिया, इसका आंसर है इंटरमिटेंट फीवर। और फीवर टाइफाइड में फीवर आता है, ध्यान रखना उससे, यहाँ पे वर्ड इंटरमिटेंट फीवर। ठीक है, द बैक्टीरिया कॉल्ड सेल्मोनेला टाइफी स्प्रेड डिसीज, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सेल्मोनेला टाइफी, ये कौन सी बीमारी स्प्रेड करता है? एपिलेप्सी, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा या फिर टाइफाइड? तो जो ये बैक्टीरिया है सेल्मोनेला, ये डिसीज करता है क्रिएट टाइफाइड। ठीक है, तो अगर किसी को भी टाइफाइड हुआ है तो समझ जाओ उसको इस वाले बैक्टीरिया ने स्प्रेड हुआ है, इस वाले बैक्टीरिया से। ठीक है, विच बैक्टीरियम कॉजेज स्मॉल पॉक्स डिसीज, कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो कॉज करता है, कोई हमें स्मॉल पॉक्स वाली बीमारी जिससे मिलती है, स्मॉल पॉक्स डिसीज जो कॉज करता है, वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? विब्रियो, कॉलेरा, वेरियोला, माइकोबैक्टीरियम या फिर बैकिलस? तो इसका आंसर है वेरियोला। वेरियोला की वजह से स्मॉल पॉक्स डिसीज होती है। द मेन सिम्टम्स ऑफ डाइसेंट्री आर डिसीजेस स्प्रेड थ्रू वाटर एंड फूड आइटम्स, ब्लड विद स्टूल, पेन इन द इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन या फिर ऑल ऑफ दीज? पहले ये समझो कि क्वेश्चन में कह क्या रहे हैं, ये बेसिकली सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे कि डायसेंट्री, जो जिसको हम हिंदी में पेचिश भी बोलते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, ब्लड विद स्टूल, पेन इन द इंटेस्टाइन, ट्विस्टिंग ऑफ द इंटेस्टाइन या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही डायसेंट्री के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज ट्रांसपोर्टेड इन साइड द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, सॉरी मिनरल पार्टिकल्स। नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, वो ट्रांसपोर्ट होता है इनसाइड द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मिनरल पार्टिकल्स, किस में? एनिमल्स, मैन, बैक्टीरिया या फिर ट्री? तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वो कैसी होती है, इम्प्योर, लाइट, प्योर या फिर हैवी? इसका आंसर है इम्प्योर, ठीक है, वो प्योर नहीं होती है, इम्प्योर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। रेस्टलेसनेस इज अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी डेटीरियोरेट्स, डिसीज, स्लीपलेसनेस, फेंटिंग या फिर स्ट्रेस। तो रेस्टलेसनेस इज अ कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो नॉर्मल, जो हमारी फंक्शनिंग होती है बॉडी की, वो डिटेरियट होने लगती है, किससे, डिसीज से, ठीक है। वॉट आर इन्फेक्शियस डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीजेस में से कौन सी है, कॉलरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डी, कॉलरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, तीनों ही जो है इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं, तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज इज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, गाउट, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो ये तीनों ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं, जिसका, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। कहेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होती है, तो ये वाली डिसीज जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है, ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती, बल्कि या तो ये जनरेशन टू जनरेशन हो, ठीक है, आपकी, आपके फादर को कुछ था, मतलब ऐसी कुछ परेशानी थी तो वो आप में आई, या फिर आपके दादा को था तो दादा से पापा में आई, पापा से आप में आई, तो इस तरह की ये डिसीज होती हैं, और जो इनका इलाज होता है वो भी काफी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज ये होती है, इसलिए यहाँ पे तीनों ऑप्शन आए इसमें, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, गोट, इसलिए इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे देखते हैं, द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स इज, जो जर्म्स का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, वो मीडियम किस वजह से होता है, ठीक है, उसका मीडियम क्या होता है, एयर, फ्लाई मॉस्किटो, बाय टच कॉन्टैक्ट या फिर ऑल ऑफ दीज? तो जो जर्म्स का ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, वो होता है सबकी वजह से, एयर की वजह से भी, टच या फिर कॉन्टैक्ट की वजह से भी, फ्लाई मॉस्किटोज जो होते हैं मच्छर हमारे, उनकी वजह से भी, इसलिए इसका आंसर डी, ऑल ऑफ दीज। द पैथोजन विच वी कॉल पॉल्यूटेड इज प्रेजेंट इन, एक पैथोजन वर्ड है, ठीक है, जिसको हम पॉल्यूटेड कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है किस में, ठीक है, मतलब एक कहो एक पॉल्यूशन ही खुद, ठीक है, वाटर, जर्म्स, मॉइस्चर या फिर हीट? तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको इजीली इसको आंसर आप दे पा रहे होगे, वाटर, मॉइस्चर, हीट, ये एक अलग चीज होगी बिल्कुल। तो जर्म्स जो है हम पॉल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वो चीज खराब है, तो इसका आंसर है जर्म्स बी। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट से रिलेटेड यहाँ पे सारे एमसीक्यूज होने वाले हैं। द डाइट विच हैज द कैपेसिटी टू मीट द डेली नीड्स ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, ठीक है, एक ऐसी डाइट जो कि हमारी डेली नीड्स की, या फिर किसी भी पर्सन की डेली नीड्स की, जो भी जो उसकी डेली नीड्स हैं उनको पूरा कर सके, उस डाइट को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक फूड, बैलेंस डाइट, हेल्थ एंड डाइट या फिर लिक्विड डाइट? आंसर नॉर्मल सा इसका, बैलेंस डाइट, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डज अ पर्सन जनरली डू, कितने टाइप्स के वर्क जो है पर्सन या फिर कोई भी ह्यूमन करता है, 1, 2, 5 या फिर 3? इसका आंसर है 3, और वो वर्क कौन सा होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब इसको और डिटेल में जाना है तो गूगल करो, इतने इससे ज्यादा डिटेल में जाना है यहाँ पे फूड न्यूट्रिशन में ठीक नहीं है, ठीक है, एमसीक्यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ। फूड ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फूड का भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, ए, कॉजिंग डिसीज, बोथ ए एंड सी, हीट कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज? तो फूड का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो है हमारा सी, हीट को वो कंट्रोल करता है हमारा फूड, ठीक है, हमारी बॉडी में। WHO फुल फॉर्म इज, सबको पता होगा WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वेलो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वैल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर है इसका सिंपल सा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसमें, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन, कैलरीज या फिर ऑल ऑफ दीज? तो सारे ही बैलेंस डाइट के ये कंपोनेंट्स हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं बैलेंस डाइट में, प्रोटीन, कैलरीज। बैलेंस डाइट होती है एक ऐसी डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक बराबर बराबर क्वांटिटी में अवेलेबल हों, ठीक है। तो ये सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है जिनकी, और ये सारे ही कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस डाइट के, इसलिए इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। विच वन हैज एन इफेक्ट ऑन अ बैलेंस डाइट, किस का अफेक्ट पड़ेगा बैलेंस डाइट का, मतलब किस पर अफेक्ट पड़ेगा बैलेंस डाइट का, फिजिकल लेवल पर, एज पर, जेंडर पर या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बैलेंस डाइट का बेसिकली हर चीज पर असर पड़ेगा जब हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, तो वो एक फिजिकल लेवल हो उस पर भी फर्क पड़ेगा, एज पर, जेंडर पर, सब चीज पर फर्क पड़ता है एक बैलेंस डाइट का, ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज आता है। वॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट, क्या होगा अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ना लें तो, रेस्टलेसनेस, हैविंग अ डिजीज, डिक्रीज इन पावर या फिर ऑल ऑफ दीज?
आंसर है ऑल ऑफ दीज। हम रेस्टलेसनेस भी, मतलब हम बहुत ज़्यादा थके हुए फील करेंगे हैविंग अ डिसीज, हमें ऐसा लगेगा जैसे हम बीमार हैं और शायद कोई बीमारी हमें हो भी सकती है। हमारी पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, अल्टीमेटली, क्योंकि जब हम फूड ही कंज्यूम नहीं करेंगे हमारी बॉडी को ताकत नहीं मिलेगी और हम हमारी जो पावर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। बैलेंस डाइट कंटेन्स, बैलेंस डाइट में क्या होता है, फैट, विटामिन, प्रोटीन या फिर ऑल ऑफ दीज? सिंपल सा आंसर है ऑल ऑफ दीज, आंख बंद करके लगा देना, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेकिंग अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट लेने पर क्या इफेक्ट पड़ता है? टू बी सिक, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी, रेस्टलेसनेस या फिर टू बी अपसेट? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, टू बी हेल्दी एंड हैप्पी। एक बैलेंस डाइट अगर हम ले रहे हैं तो हम सिक फील नहीं करेंगे, बीमार फील नहीं करेंगे, रेस्टलेसनेस मतलब हम थके हुए फील नहीं होगा हमें, ठीक है। अपसेट हम फील नहीं करेंगे, हम क्या फील करेंगे? टू बी हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। हम काफी ज्यादा खुश और हेल्दी फील करेंगे जब हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे, तो ये उसका इफेक्ट है। बैलेंस डाइट इज बेस्ट फॉर, जो बैलेंस डाइट है वो बेस्ट है क्यों? फिजिकल वर्क के लिए, हार्ड वर्क के लिए, मेंटल वर्क के लिए या फिर ऑल ऑफ दीज? सिंपल सा आंसर, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि फिजिकल वर्क भी हम उससे अच्छा कर पाएंगे, हार्ड वर्क भी, मेंटल वर्क भी, और सब वही है, ठीक। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। व्हाट इज बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी? बैलेंस डाइट क्या है अगर हम बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? एसेंशियल डाइट, इनकम्प्लीट डाइट, अननेसेसरी डाइट या फिर सेमी कम्प्लीट डाइट? आंसर है इसका एसेंशियल डाइट, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है बैलेंस डाइट हमारी बॉडी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है क्वेश्चन, अ पर्सन डूइंग मेंटल वर्क शुड टेक कैलोरीज। जो पर्सन, जो भी इंसान मेंटल वर्क कर रहा है उसको कैलोरीज लेनी चाहिए, लेस, न्यूट्रिशियस, मोर या फिर इनकम्प्लीट? तो जो इंसान मेंटल वर्क कर रहा है उसको कैलोरीज की कम जरूरत पड़ेगी एज कम्पेयर टू जो पर्सन कोई फिजिकल वर्क कर रहा है, तो ठीक है, क्योंकि हमें फिजिकल वर्क में ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ती है और मेंटल वर्क में कम की जरूरत हमें पड़ेगी। फूड शुड बी ईटन, जो हमें खाना खाना चाहिए वो खाना चाहिए बाय क्रशिंग एज इट इज, च्यूइंग या फिर ब्रेकिंग? तो च्यूइंग मतलब उसको चबा के हमें फूड को कंज्यूम करना चाहिए। अ मोर एक्टिव पर्सन हैज स्पेशल नीड्स, जो काफी ज्यादा एक्टिव पर्सन होता है, कोई काफी ज्यादा एक्टिव ह्यूमन होता है, उसको नीड्स की जरूरत है, स्पेशल नीड्स की, जैसे कि इनकम्प्लीट डाइट, सेमी इनकम्प्लीट डाइट, बैलेंस डाइट या फिर ओनली इम्प्योर डाइट या फिर ओनली इम्प्योर फूड। तो जो मोर एक्टिव पर्सन होते हैं उनको स्पेशल नीड होती है किस चीज की? बैलेंस डाइट की। इसका आंसर है सी, कीप्स द माइंड हेल्दी एंड हैप्पी, माइंड को हेल्दी भी रखता है और हैप्पी भी रखता है। क्या? बैलेंस डाइट, बेवरेजेस, अनबैलेंस डाइट या फिर सीरियल्स ओनली? आंसर इज बैलेंस डाइट, ठीक है, क्योंकि हम बैलेंस डाइट टॉपिक पर ही एमसी यूज कर रहे हैं, तो आंसर इसके बैलेंस डाइट के फेवर में ही आएंगे, ठीक है। अब बैलेंस डाइट इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये ऐसा सोच के चलना कि बैलेंस डाइट से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनमें से कोई क्वेश्चन भी आ सकता है, और आपको आइडिया भी लगेगा कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं सारे आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूं और आप भी अच्छे से इसको समझ रहे होंगे और याद करते चल रहे होंगे। अब बैलेंस डाइट इज कंपोज्ड ऑफ, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीजें होती हैं? फ्रेश वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ग्रेन्स या फिर ऑल ऑफ दीज? आंसर इज ऑल ऑफ दीज, प्रोटीन भी होता है, ग्रेन्स भी होती हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स भी बैलेंस डाइट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। अब आता है एक अगला टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। इन टॉपिक्स के बेस पर अब आगे वाले एमसीक्यूज होने वाले हैं, ठीक है। ये समझ लो कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का यहाँ मतलब है जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत हमारी बॉडी को है उतना हमें मिल रहा है, ठीक है। डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए हमें जितना न्यूट्रिशन चाहिए उतना हमें मिल गया, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिल रहा, तो अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है। और ओवर न्यूट्रिशन शब्द से भी पता चल रहा है, वर्ड से भी आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग, कि जितनी हमें नीड है उससे ज्यादा हमें न्यूट्रिशन मिल गया है तो वो ओवर न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है ऑप्टिमम न्यूट्रिशन के एमसीयूज की। व्हाट इज कॉल्ड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन? कीप्स हेल्दी, गिव एनर्जी, प्रोवाइड पावर या फिर ऑल ऑफ दीज? इजी सा क्वेश्चन है। जो न्यूट्रिशन हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना अगर हमें मिल गया तो हमें क्या क्या फायदे होंगे? हम हेल्दी रहेंगे, हमें पावर भी मिल जाएगी, हमें एनर्जी मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। स्ट्रॉन्ग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड मसल्स आर ड्यू टू, स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड मसल्स होती हैं क्यों? इनकम्प्लीट प्रोटीन की वजह से, लाइट डाइट की वजह से, ऑप्टिमम डाइट की वजह से या फिर लिक्विड डाइट की वजह से? आंसर इज ऑप्टिमम डाइट, ठीक है। जितना न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए उतना उसको मिल गया, यानी कि ऑप्टिमम न्यूट्रिशन बॉडी को मिल गया है तो स्ट्रॉन्ग और वेल ऑर्गेनाइज्ड मसल्स हमारी होंगी। वॉट विल बी द इफेक्ट इन द बॉडी बाय टेकिंग प्रॉपर डाइट? बॉडी में क्या इफेक्ट आएंगे अगर हम एक प्रॉपर डाइट लेते हैं तो? द पर्सन विल बी सिक, विल बी हेल्दी, विल रिमेन डिससेटिस्फाइड या फिर विल रिमेन इनएक्टिव? आंसर क्या है? विल बी हेल्दी। जब हम एक प्रॉपर डाइट लेंगे, हमारी बॉडी को प्रॉपर डाइट मिलेगी तो हम हेल्दी रहेंगे। द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट एंड ऑप्टिमम डाइट इज,
जो इम्पोर्टेंस है बैलेंस डाइट की और ऑप्टिमम डाइट की वो क्या है फॉर द बॉडी टू बी एक्टिव प्लेइंग गेम्स या फिर ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. ऑप्टिमम डाइट हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है, एक्टिव रहने के लिए भी जरूरी है, गेम्स खेलने की भी जरूरी है, और तो इसका आंसर हो गया डी ऑल ऑफ दीज. ड्राई स्किन, रैश, थिननेस, अनवेल, ऑल दीज आर सिम्टम्स ऑफ. ये सब किसके सिम्टम्स हैं? बैलेंस डाइट के, अडेप्टेड डाइट के, एफिशिएंट डाइट के, या फिर इनकम्प्लीट डाइट के. इनकम्प्लीट डाइट इसका आंसर है क्योंकि हमें जो डाइट है वो इनकम्प्लीट है, वर्ड से भी पता चल रहा है. जितनी डाइट हमें चाहिए थी वो कम्प्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट डाइट है, इसलिए यहाँ पे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. हाउ विल अ पर्सन लिव विद द ऑप्टिमम डाइट? एक पर्सन कैसे जी सकता है ऑप्टिमम डाइट की वजह से? अनवेल मतलब कैसा वो रह सकता है ऑप्टिमम डाइट अगर वो ले रहा है तो. अनवेल, सिक, हेल्दी एंड एक्टिव, या फिर रेस्टलेस. तो जब उसने ऑप्टिमम डाइट लिया तो कैसा रहेगा वो? हेल्दी एंड एक्टिव. व्हाट हैपेंस इन अ बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट में क्या होता है? प्रोटीन, कार्ब्स एंड विटामिन्स, मोलेसेस, फैट, ऑल ऑफ दीज. आंसर इज ऑल ऑफ दीज. आपने देखा होगा बैलेंस डाइट का क्वेश्चन फिर से आ गया. तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनते हैं, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है, सिर्फ टॉपिक क्या था हमारा? बैलेंस डाइट. क्वेश्चन कितने सारे बन गए? मेरे ख्याल से 10-15 क्वेश्चन हमने बैलेंस डाइट पर पढ़ लिए हैं. और यकीन मानना कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके अगर वही टॉपिक से उठ के आता है तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे जरूर आपको मिलेगा, या फिर सिमिलर भी मिल सकता है, सेम भी मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो एमसीक्यू उसका ये भी फायदा है काफी जो हम पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है अंडर न्यूट्रिशन. ठीक है, जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उस पर हम यहाँ पे अब एमसीक्यू करने वाले हैं. विच न्यूट्रिएंट इज लैकिंग इन इनसफिशियंट न्यूट्रिशन? कौन सा न्यूट्रिएंट यहाँ पे लैक करता है इनसफिशियंट न्यूट्रिशन में? प्रोटीन, फैट, कैलोरीज, या फिर ऑल ऑफ दीज. आंसर इज डी, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से कमी है यहाँ पे न्यूट्रिशन की. तो यहाँ पे किस किस चीज की कमी हो जाएगी अंडर न्यूट्रिशन में? प्रोटीन की भी, फैट की भी, और कैलोरीज की भी अंडर न्यूट्रिशन. तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज. अंडर न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती हैं प्रॉपर तरीके से. फिर है हमारा विच सिम्टम्स आर फाउंड ड्यू टू इनसफिशियंट फूड इनटेक. अगर हम इनसफिशियंट फूड इनटेक करेंगे तो वहां पे क्या क्या सिम्टम्स हैं उसके? ठीक है, वीक चेस्ट, बेली फॉरवर्ड, फोल्डेड शोल्डर्स, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे तीनों ही प्रॉब्लम्स हमें आएंगी. ठीक है, इनसफिशियंट फूड इनटेक करेंगे हम तो वीक चेस्ट रहेगी, बेली फॉरवर्ड मतलब बेली हमारी बाहर आ जाएगी, फूल जाएगा पेट आपका. ठीक है, फोल्डेड शोल्डर्स, तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज. स्किन इज ड्राई, डिसकलर्ड, रिंकल्स आर सिम्टम्स ऑफ. ड्राई भी है स्किन, डिसकलर्ड भी है, रिंकल्ड भी है, तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? बैलेंस डाइट, लिक्विड डाइट, इनएडिक्वेट डाइट, या फिर बेवरेजेस. आंसर इज इनएडिक्वेट डाइट, या फिर इसको कह सकते हैं अंडर न्यूट्रिशन वाली चीज भी हम कह सकते हैं. ठीक है, सिमिलर मीनिंग इनके हो सकते हैं. वॉट इज माल न्यूट्रिशन? हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था माल न्यूट्रिशन क्या होता है. बैलेंस ग्रोथ ऑफ द बॉडी, टू बी हैप्पी, टू बी हेल्दी, या फिर बैलेंस डेवलपमेंट. तो आंसर इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. जो ग्रोथ हो रही है बॉडी की वो काफी ज्यादा अनबैलेंस्ड है, उसको हम माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं. प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिशन डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ. प्रोटीन कैलोरी का माल न्यूट्रिशन हो जाता है. ठीक है, किसकी वजह से? विटामिन की वजह से, प्रोटीन एंड कैलोरीज की वजह से, फैट की वजह से, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो प्रोटीन और कैलोरी का माल न्यूट्रिशन पूछ रहे हैं. ये कह रहे हैं कि प्रोटीन और कैलोरी की कमी किसकी एब्सेंस में हो सकती है? तो प्रोटीन और कैलोरीज के एब्सेंस में तो उसकी कमी होगी. ठीक है, तो आंसर इसका बी. क्वाशियोरकोर डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ. मैं तो ये बीमारी भी पहली बार सुनी है, आई होप आपने भी शायद पहली बार ही सुनी होगी. तो मुझे इसके बारे में पता भी नहीं है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना. ठीक है, तो ये जो क्वाशियोरकोर डिसीज है ये होती है किसकी कमी से? एनर्जी की कमी से, विटामिन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, या फिर फैट की कमी से. तो ये बीमारी जो भी है, अजीब सा नाम इसका, ये होती है प्रोटीन की वजह से. ठीक है, प्रोटीन की कमी की वजह से. विच डिसीजेज अराइज ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इन इंडिया. कौन सी बीमारी होती है अगर हम इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं इंडिया में? तो मैरास्मस, क्वाशियोरकोर, फिर से वही नाम, लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारी प्रॉब्लम्स, मैं नाम दोबारा नहीं लूंगा क्योंकि मेरे से ये नाम बोला नहीं जा रहा है. ठीक है, क्वाशियोरकोर, चलो मैंने बोल लिया, आप भी ट्राई करना. ना बोला जाए तो मुझे कमेंट में बताना कि नहीं बोला जा रहा है. ठीक है, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि किसी और से भी नहीं बोला जा रहा है. तो कौन सी डिसीज अराइज होती है इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लेने की वजह से? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारी डिसीज अराइज होती हैं अगर हम इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन लेते हैं तो. द मेन रीजन फॉर मिनिमम डेवलपमेंट. मिनिमम डेवलपमेंट मतलब कम से कम डेवलपमेंट होने का मेन रीजन क्या है? लिक्विड डाइट, बैलेंस डाइट,
ड्रिंक डाइट या फिर इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इसका आंसर है, क्योंकि हम अंडर न्यूट्रिशन वाला टॉपिक अभी कर रहे हैं। फिजिकल वीकनेस, इनएक्टिव, लेजीनेस ऑल प्रोड्यूस दिस। फिजिकल वीकनेस, इनएक्टिव, ठीक है हम एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। लेजीनेस किस वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, अनवेल होने की वजह से, वायरस की वजह से, या फिर डिसीज की वजह से? आंसर इज डिसीज। जब हमें कोई बीमारी होती है तो हम वीकनेस फील करते हैं, ठीक है, इनएक्टिव होते हैं, लेजीनेस काफी ज्यादा आ जाती है, तो वो डिसीज की वजह से होता है। द लैक ऑफ न्यूट्रिशियस एलिमेंट इन द फूड, अ लो क्वांटिटी, अ लो क्वालिटी डाइट, वॉट काइंड ऑफ डाइट इट इज कॉल्ड। ठीक है, न्यूट्रिशियस एलिमेंट की काफी ज्यादा कमी है फूड में, क्वांटिटी में बहुत कमी है उसकी, ठीक है, लो क्वालिटी डाइट, तो ये कैसी डाइट हुई? न्यूट्रिशियस फूड हुआ, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल हुआ, इनएडिक्वेट डाइट हुई, या फिर लिक्विड डाइट हुई? तो ये हमारा हुआ इनएडिक्वेट डाइट, जिसमें इन सब चीजों की कमी है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा अंडर न्यूट्रिशन वाला। अब बारी आती है ओवर न्यूट्रिशन की, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए उससे ज्यादा हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं तब। ठीक है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज इन फूड। अगर हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे कैलोरीज, या फिर ज्यादा से ज्यादा फूड हम कंज्यूम कर लेंगे जरूरत से ज्यादा, तो क्या होगा? मलेरिया, ओबेसिटी, डिसेंट्री, या फिर डायरिया? तो आंसर इज ओबेसिटी। ठीक है, तो अगर हम ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे पेट में काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं ओबेसिटी। इफ द डाइट इज टेकन इन एन अनबैलेंस फॉर्म देन विच डाइट इट विल बी कॉल्ड। अगर हम काफी ज्यादा अनबैलेंस फॉर्म में डाइट ले रहे हैं तो उस डाइट को हम क्या बोलेंगे? मोर न्यूट्रिशियस, मेल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। अगर हम कोई डाइट इनटेक कर रहे हैं अनबैलेंस फॉर्म में, तो हम उसको इन तीन टर्म्स से डिफाइन कर सकते हैं। मोर न्यूट्रिशियस भी हम उसको बोल सकते हैं, माल न्यूट्रिशन भी, अंडर न्यूट्रिशन भी हम उसको बोल सकते हैं, किसको? अनबैलेंस फॉर्म में जो हम डाइट इनटेक कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। विच डिसीज विल अराइज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फैट। अगर हम ज्यादा फैट कंज्यूम कर लेंगे, ठीक है, ज्यादा फास्ट फूड मान लो आप कंज्यूम कर लोगे, तो क्या परेशानी आपको हो सकती है? कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, ओबेसिटी, या फिर क्वाशी और कोर? ठीक है, तो इसका आंसर है ओबेसिटी। आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक्सेस ऑफ फैट कंज्यूम कर लेते हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉक्सिसिटी अकर्स इन फूड ड्यू टू विच ऑफ दीज प्रोसेसेस अकर्स। जो फूड है उसमें टॉक्सिसिटी आ जाती है, मतलब वो फूड टॉक्सिक हो जाता है, किस वजह से, किस प्रोसेस की वजह से, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से फूड जो है वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है? मोर कैलोरीज, मोर मिनरल सॉल्ट, मोर विटामिन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर है डी। अगर उस फूड में बहुत ज्यादा कैलोरीज होंगी, बहुत ज्यादा मिनरल सॉल्ट होगा, बहुत ज्यादा विटामिन होगा, तो वो फूड अपने आप में काफी ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि ओवर न्यूट्रिशन भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है और अंडर न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं है। जो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन है वो बॉडी के लिए ठीक है, क्योंकि जितनी नीड बॉडी को है न्यूट्रिशन की, उतनी नीड हमें ऑप्टिमम न्यूट्रिशन में मिलती है। इसलिए ओवर न्यूट्रिशन भी फूड को टॉक्सिक कर सकता है, और अंडर न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी में काफी सारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। पॉसिबल इन मोर न्यूट्रिशन, अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेंगे, हमारी बॉडी ज्यादा न्यूट्रिशन इंटेक कर लेगी, तो क्या इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा? लेजीनेस, इंस्टेंटेड ग्रोथ, इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो अगर हम ज्यादा न्यूट्रिशन अगर हम ले लेंगे, हमारी जरूरत से ज्यादा हम ओवर न्यूट्रिशन अगर हम कर लेंगे, तो लेजीनेस आएगी, ठीक है, एक्सटेंडेड ग्रोथ होगी, जो ग्रोथ होगी वो एबनॉर्मली होगी, नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी, वो एबनॉर्मली जो ग्रोथ डेवलपमेंट होंगे वो सब होंगे एबनॉर्मली। ठीक है, इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी उसमें पूरी इनएक्टिव रहेगी वो, ठीक है, और इसमें डी हमारा ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी चीजें हमारी होंगी अगर हम ओवर न्यूट्रिशन कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी ये हो गई होगी। ठीक है, तो आगे वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बाकी के एमसीक्यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में करेंगे। तब तक अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखी, जिससे पहले हमने एमसीक्यू किए थे, वो वाली वीडियो देखो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।